तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइडलर ऑफिशियल। तो देखो, आज फिर से मैं छत में आ गया था भाई पतंगबाजी करने। और देखो, आज मैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक कलर की पतंगें लेकर आया था ताकि आप लोग को उड़ा के दिखा सकूँ। देखो, एक कलर ये रहा, दूसरा कलर देखो ये मल्टी कलर में रही चेक वाली। काफ़ी अच्छी अच्छी पतंगें लेकर आया था। फिर आप लोग के भाई कमेंट इतने सारे आ रहे थे कि भाई डमी पतंग की हेल्प से ना आप काइट फाइटिंग सिखाओ, डमी काइट की हेल्प से सिखाओ, डमी काइट की हेल्प से सिखाओ। तो आज हमने देखो, जो काइट फाइटिंग का प्लान था ना ये रंग बिरंगी पतंगों का, ये हमने कैंसिल करके अब हमने क्या करा है, जो मैंने पहले काइट फाइटिंग कर रखी है उसको देखो उनके पेज को मैं एक्सप्लेन करूँगा आज। और देखिए, सारे पेज मैं नीचे से बताऊँगा, तो यार चार पेज बताऊंगा, लेकिन चार पेज ऐसे बता दूंगा ना कि आप आसानी से दूसरों की पतंग काट लोगे। बस वीडियो यार ये वाली वीडियो पूरा देख लो, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, आप आसानी से नीचे का पेज काट लोगे। तो यहाँ पे देखो, रेड सर्किल आपकी पतंग को इंडिकेट करेगा और जो ब्लू वाला सर्किल होगा ना, ये आपके अपोनेंट की पतंग को बताएगा कि आपके अपोनेंट की पतंग कौन सी है। तो इस वाले पेज में देखो, नीचे का पेज आपको बता रहा हूँ, देखो रेड पतंग आपकी हो गई, आप नीचे से उड़ा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, लोग जो अंदर का गिरता हुआ गद्दा मारते हैं ना, अंदर का गिरता हुआ, उन्हें कैसे काटना है। तो इस वाले पेज में देखो, हमारे अपोनेंट की पतंग ब्लू सर्किल में रही। अब आप पेज देखो, नीचे से आपकी पतंग नहीं, ऊपर से आपका अपोनेंट आ रखा है। देखो ये आपका अपोनेंट आया, हाथ की तरफ का मारा, आपको बस पतंग चक्करों पर डाल देनी है और उसकी पतंग वहीं पर ही कट जाएगी। अब इस वाले पेज में मैंने बता ही दिया कि जैसा कि जो रेड कलर की पतंग रही है आपकी पतंग रही, आप नीचे से पेज लड़ाएंगे सारे चारों के चारों, और ब्लैक वाला आपका अपोनेंट है। अब कई बार क्या होता है ना, आप जैसे कि नीचे का पेज लड़ा रहे हैं, तो जैसे कि आप ये नीचे से गए और आपका अपोनेंट ऊपर से आया, तो कई बार लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं वो गद्दा आपके हाथ की तरफ का गिरता हुआ मारते हैं, ये वाला जो गद्दा मारते हैं ना ऊपर से, ऐसे गद्दे में अगर आप अपनी पतंग को सीधा खींचेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी, या फिर आप अपनी पतंग को थोड़ा अंदर जाके बाहर का भी निकालेंगे और वो गद्दा आपके हाथ की तरफ का रख देंगे तो भी आपकी पतंग कट जाएगी। तो ये वाला पेज कैसे काटना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, नीचे से जाओ वो ऊपर से आएगा और आप थोड़ी पतंग उठा के देना उसे, वो आपके हाथ की तरफ का गिरता हुआ गद्दा जैसे ही मारे, बस आपको पतंग ना चक्करों पर डाल देनी है, और चक्करों पर डाल के आप हल्की सी ढील देंगे तो आपके अपोनेंट की पतंग कट जाएगी, या फिर आप पतंग थपथपा दो तो भी आपके अपोनेंट की पतंग वहीं पर ही स्लिप हो जाएगी, मतलब वहीं पर ही कट के चले जाएगी अगर वो अंदर का गिरता हुआ गद्दा रख रहा है। तो ये वाला पेज एक बार मैं आपको स्लो मो में भी समझा दे रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो ये वाला पेज आपको ऐसे ही काटना, देखो ब्लू सर्किल के अंदर आपके अपोनेंट की पतंग रही, ये देखो ऊपर से गिरता हुआ ये आ रहा है, आपके हाथ की तरफ का गद्दा मार रहा है, ये इसने मारा, देखिए अभी डोर टच नहीं हुई, हमने पहले थोड़ा सा उसे दिखाया कि हम बाहर का मारेंगे, और जैसे ही डोर टच होने वाली थी हमने बस पतंग को चक्कर पे डाल दिया और उसकी पतंग वहीं पर ही कट के चले गई। तो अगर कोई ऐसा गद्दा रखता है तो इस तरीके से आप पेज काट सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सेकंड पेज बताता हूँ। अगर आपने पहला पेज समझ लिया ना, तो ये वाला पेज आप आसानी से काट दोगे। अब सेकंड पेज की तरफ चलते हैं, बस वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखो। तो देखो, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से उड़ा रहा है। तो देखो, कई बार लोग क्या करते हैं ना, एक ही मुड्डा बना लेते हैं बाहर का निकलता हुआ, इनकी पतंग कैसे काटनी है। तो जैसा कि हमारा अपोनेंट है ऊपर से, अब देखो ये बंदा यही करता है, ये हमने पतंग उसे उठा के दिए थोड़ी, ये उठाई और हमारा अपोनेंट चला बाहर का, हमने पट मार दिया अंदर का गिरता हुआ, और थोड़ी डोर मिलने में लेट हो गया था तो हमने अंदर की दिखा दी और उसकी पतंग वहीं पर ही कट गई। तो ये वाला पेज भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला पेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी नीचे से ही है और आपका अपोनेंट ऊपर से उड़ा रहा है। तो रेड वाली आपकी पतंग नहीं, आप कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना ऊपर से उड़ाते, वो बाहर का बहुत तेज़ी में मुड्डा खींचते हैं। तो जो लोग बाहर का मुड्डा खींचते हैं, अगर इनके सामने आप अपनी पतंग सीधी खींच देते हो ना, तो आपकी पतंग कट जाएगी, जो लोग बहुत तेज़ी में बाहर का मारते हैं। तो इन लोग की भाई पतंग कैसे काटें, सिंपल सा तरीका है भाई, कुछ नहीं करना है। नीचे से आप गए, आपका अपोनेंट ऊपर से, इसने बाहर का मुड्डा खींचा काफ़ी तेज़ी में, तो आपको क्या करना, उसी के साथ साथ ना नीचे पट मार देना है, और या फिर आप अंदर की रगड़ दो पतंग। दो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो, या तो पट मार दो या फिर अंदर की रगड़ दो। तो ऐसे ही तरीके से मैंने ये वाला पेज काटा था, सेकंड वाला स्लो मो में भी आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ब्लू सर्किल हमारे अपोनेंट की पतंग नहीं, ये देखो ये चला, ये बाहर का चला, मैंने पट मारा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डोर मिलने में देर हो गई, तो मुझे बहुत टाइम मिल गया था, तो मैंने अंदर की पतंग रगड़ दी। देखो, दोनों काम मैंने कर लिए इसी पेज में, और फाइनली हमने ये वाला पेज भी काट दिया। तो ट्राई करो यार, ये वाला पेज आप भी जरूर काटोगे। बस यार, वीडियो को लाइक करते हुए चलो, दो पेज मैंने काफ़ी अच्छे समझा दिए, ये रहा आपका तीसरा पेज। तो देखो, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग भी मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग भी वो ऊपर से आ रखा है, और हमारे राइट हैंड साइड से ये बंदा लड़ा रहा है।
तो ये वाले पेज में देखते हैं हम कैसा पेज इसका काटेंगे, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये वाला पेज। तो अभी थोड़ी पतंग हमारे अपोनेंट ने चढ़ा ली थी, देखो ये आ गया लड़ाने। अब देखो उसने अपनी पतंग थोड़ी लंबी निकाल रखी, तो हमें इसका झोल ढूंढना है। झोल देखिए हमेशा बीच वाले हिस्से में होता है, ये गया हम झोल मिला, और यहाँ पे हमने ताकत से बाहर खींच के इसकी पतंग काट दी। अब ये वाला पेज आप तभी लड़ाना जब आप पतंग ना अपने अपोनेंट से थोड़ी तेज खींचते हो। तो देखो रेड वाली पतंग आपके लिए आप नीचे चढ़ा रहे हैं, और ब्लैक वाला आपका अपोनेंट है आपको ऊपर चढ़ा रहा है। तो आपको थोड़ा झोल की तरफ जाना है अपने अपोनेंट के, और जैसे ही आपको लगे कि आपको उसका झोल मिल गया तो आपको क्या करना है, एकदम सीधा बाहर का खींच देना है। और अगर आपका अपोनेंट ऐसे ऊपर को डबल का पेज बना के अपने ऊपर को खींचता है ना, तो यहाँ पे भाई खिंचाई काम आती है। जो इस पोजीशन में तेज खींच देगा, या तो तेज खींच देगा या फिर पेज थोड़ा आर पार हो जाता है या थपथपा देगा, वो बंदा यहाँ पे पेज काट देगा। तो हमने थोड़ी तेज खींच दी थी अपने अपोनेंट से, और ये वाला पेज हमने काफ़ी आसानी के साथ काट दिया था। देखो ब्लू सर्किल की हमारे अपोनेंट की पता नहीं ऊपर से, ये हम उसके झोल की तरफ गए, और यहाँ पे हमने काफ़ी ताकत से के साथ बाहर खींचा था। हमारे अपोनेंट ने डबल का पेज बनाया था, लेकिन हमने उससे तेज खींच के उसकी पतंग यहाँ पे काट दी। अब ये रहा आज का भाई लास्ट और चौथा पेज। अगर आपकी खींच कम है और आप दूसरों की पतंग नहीं काट पाते, तो हम हैं ना यार, हम कटवाएंगे दूसरों की पतंग। तो इस वाले पेज में देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है, मैं नीचे चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है, वो ऊपर से हमारे लेफ्ट हैंड साइड चढ़ा रहा है। तो ये बंदा काफ़ी तेज खींच रहा था, इसने मेरी दो पतंगें काट दी थी। तो यहाँ पे मैंने पेज फंसा लिया, और पेज फंसा के देखो जैसे ही मैंने अंदर के चक्कर रखे, उस बंदे की पतंग यहाँ पे कट के चले गई। अब जैसा कि मैंने बता दिया, ये वाला पेज वो लोग लड़ा सकते हैं जिनकी खींच थोड़ी सी कम है, मतलब वो ज़्यादा तेज नहीं खींच पाते, तो आपको पेज फंसा लेना है। फंसेगा कैसे, या तो बंदा जिस जो आपका अपोनेंट है वो आपके काफ़ी पास खड़ा हो, और अगर वो पास नहीं खड़ा है तो आपको थोड़ा उसके मुँह की तरफ जाके वहीं पर ही पेज फंसा लेना है। और जैसे पेज आप फंसाएंगे, उसके बाद देखिए मेन चीज़ ये है कि आपको चक्कर अंदर के रखने हैं यार। अब अंदर के चक्कर क्या होते हैं, अब जैसे कि आपका अपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड, तो आपकी पतंग का जो मुंह होगा ना वो अपने अपोनेंट की तरफ गिनना चाहिए, ऐसे करके देखो। अगर लेफ्ट में अपोनेंट है तो आपकी पतंग का मुंह लेफ्ट में ही गिनना चाहिए चक्कर, और अगर आपका अपोनेंट राइट में आ गया तो आप लेफ्ट में हो गए तो आपकी पतंग का मुंह इस बार राइट में गिरेगा। ये देखिए ऐसे करके आप नीचे से जाएंगे तो आपकी पतंग का मुंह राइट में गिरेगा। तो ये इसे अंदर के चक्कर कहते हैं, जहाँ पे आपका अपोनेंट खड़ा होगा जिस भी हैंड में, राइट में या लेफ्ट में, उसकी तरफ का आपकी पतंग का मुंह गिरना चाहिए चक्कर लेते टाइम। तो इसी को अंदर के चक्कर कहते हैं, और अगर आपने ये सही से दे दिए ना तो आप काफ़ी आसानी के साथ पेज काट दोगे। यही हुआ था ये वाले पेज में, देखो ब्लू सर्किल हमारे अपोनेंट की पतंग भाई, तो यहाँ पे ये काफ़ी तेज खींच रहा था, तो मैंने यहाँ पे पेज फंसा लिया। देखो पेज फंसाना कैसे, थोड़े मुंह के पास जाना है आपको, और वहीं पर ही ऐसे रख के फंसा लेना अगर छोटी रेंज का पेज हो। और उसके बाद देखो मैंने बस अंदर के चक्कर रखे ही थे, ये देखो यहाँ पेज फंसा के अंदर के चक्कर डाले मैंने, और उसकी पतंग एक ही चक्कर में कट के चले गई। भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली ना बिना स्किप करे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप कल परसों में पतंग बहुत ज़्यादा काटने वाले हैं यार इन तरीकों का यूज करके। और अगर जब आप पतंग काट दें तो यार लाइक वाइक पहले से ही कर दो यार, काटने के बाद तो आप भूल जाओगे ना, तो लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।